नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार यू कुमार टीवी चैनल से। इस समय आज हम जो है सेक्टर 12 पे खड़े हैं और जहां पर आप भारी संख्या में लोगों को देख रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर कर्मचारी संघ के यहां पर बहुत सारे कर्मचारी खड़े हैं। किस मुद्दे को लेकर के आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानते हैं हम लोग। सर नमस्कार, सर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है जी, धन्यवाद आपका, आपको जो यहाँ बाइक लेने आ रहे हैं। ये जो दावत हम यहाँ धरना पे बैठे हैं, तमाम रिटायर कर्मचारी संघ, हरियाणा सरकार जो है हमारे साथ अनदेखी कर रही है, हमारी बात को नहीं सुनती है। और हम अभी देखा अपने पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो कर्मचारी पर लाठीचार्ज किया, क्या मांग थी उनकी? रिटायर कर्मचारी संघ की मांग क्या थी? पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू की जाए, ये हमारी मांग बरसों से चली आ रही है। MLA MP को जो डेविल उसने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इन्होंने अपनी पेंशन तो बना दी और कर्मचारी की पेंशन नहीं बनाई, अपनी तो पेंशन ऐसे कर दी हर 5 साल बाद जो है एक MLA MP जो होता है उसको पेंशन में संशोधन किया जाता है। कर्मचारियों के लिए 10-10 साल तक जो है अब 10-8वां वेतन आयोग को गठन करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। उसके लिए हमारे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर तमाम संगठनों के पूरे देश के राज्य के पदाधिकारी थे, मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था। मैं जिले का प्रेस सचिव हूँ रिटायर कर्मचारी संघ के अंदर, और मेरा नाम धीरज सिंह रावत है। और हमारी मांग क्या है, हम कहते हैं जब तुम अपनी पेंशन बढ़ा सकते हो, हमारे कर्मचारियों को जो है 60 साल के 30 साल को सर्विस करने के बाद पेंशन का पूरा हकदार बनता है, लेकिन इनके लिए 5 साल में संशोधन किया जाता है। जेल के अंदर भी जो लोग है इनके नेता बैठ जाते हैं उनको 2.5-3 लाख।